हेलो दोस्तों, मैं दामू, आप देख रहे हैं द मैकेनिक बडी। और आज क्या ये वीडियो कोई हाउ टू एन स्टाइल और टेक्निकल वीडियोस नहीं है जैसा कि हम लोगों के चैनल पे आता है। मैंने अपना एक सेटअप, न्यू सेटअप बनाया है और उसी के लिए मैंने एसी जो है वो बाय किया है। तो ये कौन सा एसी हम लोगों ने बाय किया है मैं आपको वही सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और ये मेरा फर्स्ट एसी है और मैंने अभी इसको ओपन भी नहीं किया है, तो इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और मेरे को जो देखने को मिलेगा मैं आपको उस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊँगा। तो इस एसी के अंदर क्या क्या हम लोगों को मिला है, इसका कितना प्राइस है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और आप हमारे व्यूअर हैं इसलिए हम आपको ये सब कुछ दिखाने वाले हैं, क्या हम अपनी इसमें सेटअप में ऐड करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों का बोल्ट आस का एसी, जिसमें ये हमारा आउटडोर प्रोडक्ट और ये है इंडोर प्रोडक्ट। और यहाँ पर बोल्ट आस की ब्रांडिंग में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि टाटा वालों का प्रोडक्ट है। और जैसे कि आजकल इंडिया में चल रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, तो इसी तरह से हमने बोल्ट आस का जो है वो एसी लिया है। और ये एक इन्वर्टर एसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टार। और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बोल्ट आस का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट आस की, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है वोल्टास सेक 183VCZJ, ये इसका मॉडल है इस एसी का। तो अब हम लोग देख लेते हैं। और नीचे वाले प्रोडक्ट में भी सेम ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर इंडियाज नंबर 1 ब्रांड करके लिखा है और 100% कॉपर का है ये। तो आप देख रहे होंगे दो तरह के आते हैं, एक एल्यूमिनियम का और कॉपर का। तो कॉपर का बेहतर होता है, इसीलिए मैंने कॉपर का लिया है। चलो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे ओपन करना है। और हमने अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया है, आप लोगों के साथ ही हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो चलो हम काट लेते हैं। तो अब हम लोगों ने ओपन किया, आप देख रहे होंगे ये मिल गया हमारा एसी का, जो इंडोर वाला हमारे घर के अंदर लगता है वही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी इसकी सिक्योरिटी के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि काफ़ी सारी कागजीट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर, ताकि एसी का आपकी सेफ्टी रहे। तो हम लोग इसको हटाते हैं, यहाँ से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा इसका वोल्टास का एसी का मैनुअल, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिमोट भी। तो मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों का एसी का रिमोट, मैं आपको देख कर दिखाता हूँ। तो ये हम लोगों का एसी का रिमोट, जहाँ पर शायद इसकी एलईडी स्क्रीन है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्लीपिंग और काफ़ी सारे मोड हैं। और हम लोगों को अभी इस तरह से एसी चलाना भी नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट है, चलाना सीखेंगे उसके बाद ज़्यादा आपको कुछ बता देंगे। यह एसी का रिमोट और यहाँ पर आपको मोड देखने को मिल जाते हैं। तो चलो इसको रखते हैं साइड और देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर है ये थोड़े सारे स्क्रूज हैं, जाके जब इंस्टॉलेशन होगा तो उस टाइम पे ये यूज़ होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा संभाल कर रखते हैं। उसके बाद ये रिमोट के सेल्स हैं, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एसी का यूज़र मैनुअल। तो ये यूज़र मैनुअल है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 फ्री सर्विसेज। तो जो सर्विसेज होंगी एसी की वो इसके साथ फ्री हैं। और मैं आपको बता दूँ इसका प्राइस और इसका क्या क्या सर्विसेज हैं, मैं लास्ट में बताऊँगा इसका कि हमने कितने में ख़रीदा है। और बाकी सारी चीज़ें वारंटी और गारंटी का मैं सीन आपको बाद में बताऊँगा। तो ये हमारा साइड में हो गया। तो ये रहा हमारा एसी, और हम इसका इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉल करने आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग इसको निकाल के रख देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा वाइट कलर का एसी, इसके ऊपर से हम लोग अपना ये पॉली हटा देते हैं। तो हम लोगों को कुछ इस तरह का एसी देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्प्लिट इन्वर्टर एसी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, 3 स्टार, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि कूलिंग कैपेसिटी है, और कूलिंग कैपेसिटी इस तरह से 50% सेविंग करके आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी हैं। और ये जो है एक काफ़ी मतलब पावर को कम पावर पर चलता है ये वाला एसी, जो कि इन्वर्टर एसी होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा एसी का बैक साइड, जो कि हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि ये
क्या है, कैसे चलता है, लेकिन ये एसी का बैक साइड होता है। और ये पूरा जो है वो पूरा कॉपर का है, आप देख रहे होंगे पूरा कॉपर में लगा है। और यहाँ पर ही अगर आप दूसरा एसी लेते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम का भी यूज़ किया जाता है। तो हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे, ये जो हमारा आउटडोर प्रोडक्ट है इसके बारे में। तो आपने ये देख लिया है जो कि हमारा अंदर होता है, इंडोर वाला प्रोडक्ट जो घर में रखता है। अब नीचे वाले की हम लोग को देखने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा एसी का आउटडोर पार्ट जो कि घर के बाहर रखा जाता है या छत पर रखा जाता है। तो यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है वोल्टास की। तो हम लोग इसको खोल कर देख लेते हैं क्या क्या है, हमने ओपन नहीं किया है अभी तक। भाई देखो ये है हमारा एसी का आउटडोर वाला प्रोडक्ट जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये इसका सेफ्टी के लिए जो है। तो हम इसको अब निकालते हैं इस तरह से और इसको देखते हैं क्या क्या हम लोगों को मिल जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर अब इसको हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से मैं इसको बॉक्स को ऊपर से खींच लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह का है, नीचे से इसका हट जाता है। और ये हमारी हो गई पॉलीथीन भी अलग, तो इसको हम साइड रख देते हैं। और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाते हैं पाइप जो कि आउटडोर की साइड से हम लोगों के इंडोर में आता है। कूलिंग के लिए जो पाइप होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं वोल्टास की तरफ से ही। तो ये 10 मीटर के अराउंड होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। तो हम लोग इसको रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं क्या है क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है आपके पास वायरिंग जो कि होती है एसी के लिए वायरिंग है। और ज़्यादा मेरे को इसके बारे में नहीं पता है तो हम लोग इसको रख देते हैं। अब नीचे देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से देखिए आपको देखने को मिल जाता है वोल्टास की ब्रांडिंग, जहाँ पर आपको वोल्टास देखने को मिला है, टाटा का प्रोडक्ट है। और इन्वर्टर ICs यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 3 स्टार और 5 स्टार। और यहाँ पर इसका ये कितना आपका लेगा सारा, आपको जो पावर के कंजप्शन के बारे में है, कूलिंग कैपेसिटी, यहाँ पर आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे इसका ये सामने से सारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर वोल्टास ने इस एसी का आउटडोर वाले का किया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है वाइट कलर में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के लिए, हमने बता दिए हैं सारी चीज़ें कि क्या एसी में है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये लगभग हम लोगों को दोनों चीज़ें जो हैं ये 37,000 और 38,000 के अराउंड हम लोगों का आया है, मतलब कि 37,000 समथिंग रुपीज़ का हमने परचेज़ किया है, जिसमें 5 साल की हम लोगों को वारंटी मिली है एसी के सारे पार्ट्स की, और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है वोल्टास की तरफ से। तो वोल्टास की तरफ से ही कुछ लोग इंस्टॉल करने के लिए आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके वीडियो के लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं जो कि हम लोग अपने सेटअप में इंस्टॉल करने वाले हैं ये एसी। तो आप देखते हैं इंस्टॉलेशन कैसा होगा। Thank you.